कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ सपा के समर्थन से राज्यसभा जाने का फैसला ले लिया। बुधवार को उन्होंने लखनऊ पहुंचकर नामांकन भरा। इस घटनाक्रम पर भले ही कांग्रेस ने खुलकर कोई टिप्पणी नहीं की हो, लेकिन अंदर ही अंदर मंथन चल रहा है। अब पार्टी महाराष्ट्र से मुकुल वासनिक को राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर रही है, जो G23 का हिस्सा है। महाराष्ट्र से असंतुष्टों के गुट G23 में दो ही नेता शामिल थे, पृथ्वीराज चव्हाण और मुकुल वासनिक। लेकिन कांग्रेस मुकुल वासनिक को राज्यसभा की खाली सीट पर भेजने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि वो कपिल सिब्बल के एग्जिट से डरी हुई है। अब वह कुछ और सीनियर नेताओं को खोना नहीं चाहती। G23 नेताओं की ओर से अगस्त 2020 में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें कांग्रेस के बड़े बदलाव की मांग की गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव और राज्य में लगातार हार के बाद ये चिट्ठी लिखी गई थी। इस लेटर को लिखने वाले नेताओं में भूपिंदर सिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, शशि थरूर, मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चव्हाण समेत कई सीनियर नेता शामिल थे। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा कि 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए मुकुल वासनिक पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक इस सीट से पी चिदम्बरम राज्यसभा में थे। पार्टी नेता ने कहा कि पी चिदम्बरम भी एक बार फिर से राज्यसभा जाने की दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बार तमिलनाडु से भेजने की तैयारी है। यूपीए की सरकार के दौरान मुकुल वासनिक सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री थे। उनके पिता बाल कृष्ण वासनिक भी कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। 4 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके मुकुल वासनिक को 2014 के आम चुनावों में शिवसेना के कृपाल तुमाने के मुकाबले रामटेक सीट से हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल मुकुल वासनिक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों में कांग्रेस ने असंतुष्ट नेताओं को जगह देने की कोशिश की है। G23 में शामिल रहे नेताओं आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने 2 राजनीतिक समितियों में जगह दी है, जिसका गठन चिंतन शिविर के बाद किया जाएगा। इन समितियों को पार्टी में सुधार के लिए सुझाव देने का काम सौंपा गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।